विश्वेश्वराचार्य के क्रोध का सामना करना शास्त्री के लिए मुश्किल हो गया, किंतु लक्ष्मी ने चतुराई से उनको आशीर्वाद देने पर मजबूर किया। खबर की लालच में फुलवंती के वासे के आसपास नारभट्ट ने चक्कर काटना शुरू किया। और सत्यम बुआ ने लक्ष्मी के मन में संशय का जहर भरने की कोशिश की। सोनोपन के लिए शास्त्री की संभाव्य हार पेशवा दरबार की हार बन गई और गोपाल नाइक के लिए मैं चाहता हूँ ये बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए। हो सकती है, लेकिन अगर शास्त्री जी श्रीमान पेशवा के सामने आपकी गवाही में दोनों हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगे तो देखिए साहूकार, मैंने तो नहीं कहा था आ बैल मुझे मार। अगर वो सिंह उठाकर लगा है तो मैं भी उसका सिंह तोड़कर ही रखूंगी। मैं भी कुछ कम नहीं हूं। न जाने श्री गणाधीश क्या चाहते हैं। कौन है? हम भीकम भट्ट शास्त्री मोगे। शास्त्री जी हैं? क्या काम है? धर्म निर्णय कराना था। हैं? है तो जरूर, मगर क्या शास्त्री जी मृदंग भी बजाते हैं? बजाते होंगे, मालिक अब मिल नहीं सकते, फुर्सत नहीं है। क्यों? क्यों क्या क्या सवाल कह दिया ना, मिल नहीं सकते? वहां कहां जा रहे हो? भाई साहब हैं। आप कौन से मिल रहे हो, मालिक से या मालकिन से? जो मिल जाए। महाराज आप यहाँ से दफा हो जाइए। खबरदार हमें हाथ जो लगाया, तुम चाकर हो, चाकर की तरह पेश आओ। अब चाहते भी हो या उठा के फेंक, जा ही तो रहे हैं। फिकम भट्ट शास्त्री पोंगी, चोर उठाइए ना, फेंक दिया। अरे बुलाया था फुलवंती ने, सो जाना पड़ा रियाज दिखाने के लिए। कुछ देर रियाज दिखाया, आ हा 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 हा, क्या तैयारी है, वाह 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 वाह, नजर नहीं ठहरती, बिजली भी डंक मारती है उसके सामने। कहने लगी आशीर्वाद दो महाराज, आशीर्वाद दो। आयुष्मती भव कह के चले आए, विजयी भव नहीं बोले हम महाराज। हाँ शास्त्री जी का जितना मुश्किल ही दिखता है, जैसी करनी वैसी भरनी। हरिओम तत्सत। नारभट्ट किसके नाम हरिओम तत्सत बोल रहा है? वेंकटेश शास्त्री के नाम। लबाड़िया है, शास्त्री नहीं ये नारभट्ट। शास्त्री जीतेगा, ब्रह्म वृंद का नाम रोशन करेगा। हम गए थे प्रातः काल में। अरे आप गए थे, कैसे हैं वो? मजे में हैं, बहुत उत्साह में। मृदंग का रियाज इस कदर जारी है कि एक जोड़ी मृदंग फट गया महाराज। शास्त्री जी को कोई नहीं हरा सकता। ये हुई ना बात। बेचारी शास्त्रिन का बुरा हाल है, रोते रोते आंखें सूज गई हैं, उसका सुख छिन गया है। सुख ये मानने की चीज है भिकम भट्ट, किसको किसमें सुख मिलता है ये वो ही जाने, मगर शास्त्री जी को अब सुख ही सुख है, चाहे हारे या जीते। ओम अम गणपते नमः। एक दंता है विदम है, अक्रदंता है ठीक है, तन्नो तंती प्रचोदया, एक दंतम चतुरहस्तम पाशमं कुष्ठारिणम रदम चवरदम हस्तै ब्राणम मुशुकदशम रक्तम लंबोदरम शूर्पकर्णकम रक्तवासम रक्तगंधार लिप्तांगम रक्तपुष्पै सुपूजितम। अरबा पालकी तैयार है। लक्ष्मी जी इतने तो लगाते जाइए, इसका मैं क्या करूंगा।
उस्ताद जी हाँ? आप अपने सारंगी की सुर लगा लीजिए हाँ? मैं बस अभी तैयार होकर आती हूँ। मुन्नी हाँ? जरा इधर बैठिए। जी अल्लाह तुम्हें फतेह याबी दे। उस्ताद जी हाँ? आज ये पगड़ी ये हमारी जीत की निशानी है मुन्नी। अच्छा हाँ, रामपुर के नवाब ने दी थी। हाँ, आज तक ना हमें कोई हरा सका ना ये उतरवा सका। ये हमारी शान है, बान है, आज इसकी आन रखना तुम्हारे हाथ में है। उस्ताद जी आज जश्न का दिन है मुन्नी, आंसुओं का क्या काम, जा तैयार हो जा। बादम बामुलाहिजा होशियार, आहिस्ता कदम, नजर मर कदम, निगाह रखो, खासुल खास दौलत ख्वाह सादत मंद सकल राजकार्य धुरंधर विश्वास निधि पंडित पंत प्रधान श्रीमंत श्री बाजीराव रघुनाथ साहेब बहादुर आ रहे हैं, निगाह रखो। इसी दरबार के समक्ष श्रीमती फुलवंती बाई के नृत्य गायनादि पश्चात श्रीमंत सरकार के पास श्रीमती फुलवंती बाई ने फरियाद पेश की थी कि उनका अपमान किया गया है। पंडित व्यंकटेश शास्त्री ने श्रीमती फुलवंती बाई के नृत्य संबंधी शास्त्रीय ज्ञान और उसकी प्रत्यक्षता के बारे में कुछ शब्द कहे। अतः श्रीमंत सरकार की आज्ञा से आज इस सत्य का निर्णय करने के लिए यह परीक्षा आयोजित की गई है कि वास्तव में अपमान किया गया है अथवा फरियाद बेबुनियाद है। निर्णय करने वाले परीक्षक है श्रीयुत अय्या शास्त्री हिरेहल्ली, श्रीयुत जगोबा अन्ना गुरव। परीक्षक मंडल के नायक है साहूकार गोपाल नायक। इनमें से हरेक की नृत्य संगीत साधना और निष्पक्षता विवाद से परे है। परीक्षकों का निर्णय श्रीमंत सरकार को मंजूर होगा। वादी और प्रतिवादी की स्वीकृत शर्तें ये है, श्रीमती फुलवंती बाई नृत्य करेगी और पंडित व्यंकटेश शास्त्री मृदंग बजाएंगे। अन्य वादक दरबार से नियुक्त किए गए हैं। प्रतियोगिता एक घड़ी तक चलेगी। इसी अवधि में अगर नर्तिका नृत्य करने में या वादक वाद्य वादन में कोई गलती करता है तो वह हारा हुआ माना जाएगा। अगर श्रीमती फुलवंती बाई नृत्य करने में भूल करेगी तो वे पंडित व्यंकटेश शास्त्री की जीवन भर दासी बनकर रहेगी। और अगर पंडित व्यंकटेश शास्त्री फुलवंती बाई की भूल न बता सके तो वे यही घुंघरू शास्त्री के पांव में बांध कर उन्हें सारे पुनः शहर में नचाऊंगी। चांद मैं इनकी ये चुनौती पहले ही स्वीकार कर चुका हूं। ठीक है, श्री गणेश हो। Thank you.
प्रशिक्षकों की राय में पंडित वेंकटेश शास्त्री ने बहुत सही मृदंग वादन किया है। श्रीमती फुलवंती बाई ने सम पर आने में गलती की, वे मात्रा चूक गई है। अतएव परीक्षक मंडल एक मत से निर्णय करता है कि पंडित वेंकटेश शास्त्री जीत गए हैं और श्रीमती फुलवंती बाई हार गई है। परीक्षक मंडल फैसला करता है कि श्रीमती फुलवंती बाई की फरियाद बेबुनियाद है, जो उन्होंने वेंकटेश शास्त्री के विरुद्ध की थी। शास्त्री जी, हम आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं। हम कामना करते हैं कि कला और विद्या का ये संगम कल्याणकारी रहेगा। संगतियों का इंतजाम करके ये स्त्री कल्ला आपके अधीन होगी। मालकिन, मालकिन, हम जीत गए, हम जीत गए मालकिन। सच? जिंदगी तो यूं ही सोने आसमान की मानिंद है बेटी, उसमें बादलों के रंग भरने पड़ते हैं तभी जज्बात के परिंदे उड़ान भर पाते हैं। नृत्य और संगीत मेरे प्राण है उस्ताद जी, अगर वो ही मुझसे छीन जाए तो मैं कैसे जी पाऊंगी। नृत्य और संगीत का रंग कभी नहीं उतर पाता बेटी, वो रंग तुम्हारे काली कमली वाले का रंग है। क्या पता वहां जाकर यही रंग और भी कमाल दिखाए। उस्ताद जी, अगर मैं ना जाऊं तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ टांग टूट जाएगी हमेशा के लिए, घुंघरू रूठ जाएंगे। दुनिया भी जान ले मुन्नी, जितनी सच्ची होती है कलाकार की कला उतनी ही पक्की होती है उसकी जुबान।